हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सबन पूर्ण मंजू की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दही बड़े। वो हमारे दही बड़े एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुए हैं। इनके बीच में बिल्कुल भी गांठें नहीं पड़ी हैं। इसे बनाने की एक खास ट्रिक है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया है। इसके लिए हमने यहाँ 1 कप उड़द की दाल ली है। दाल हमने यहाँ धुली हुई ली है और इसको रात भर हमने भिगो कर छोड़ दिया था। आप चाहे तो 6-7 घंटे के लिए भी इसको भिगो कर छोड़ सकते हैं। मैंने इसको रात भर भिगो कर छोड़ दिया था। अब एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें हम ये आधी आधी दाल पीस लेंगे। एकदम हम सारी दाल को यहाँ नहीं पीसेंगे। इसमें हमने थोड़ा पानी भी डाल लिया था और पीसने के बाद इस तरह का बैटर तैयार हो गया है। अब यहाँ हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, इसी तरह का एक परात टाइप बर्तन हमें यहाँ बड़ा ही लेना है। हमारी जो बाकी दाल बची थी उसको भी हमने पीस लिया है और सभी बैटर को इस बर्तन में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर खाने का सोडा और थोड़ा हमने यहाँ जीरा डाला है। अब हम इसको फेटेंगे। अच्छे स्पंजी और सॉफ्ट दही बड़े बनाने का ये तरीका है कि आप इसको लगातार फेटेंगे और एक ही डायरेक्शन में फेटेंगे। इससे इसमें अच्छी एयर हो जाएगी। ये देखिए, आपको इसको एक ही डायरेक्शन में फेटना है और लगभग आप इसको 15-20 मिनट तक ऐसे ही फेटते रहेंगे तो ये हमारे दही बड़े सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होंगे। और इधर गैस पर हमने एक भगोने में पानी लिया है, इसको हम गर्म होने देंगे। इसमें हमने थोड़ा हींग डाल दिया है और इधर हम अपने दही बड़े की दही तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 3 बड़े चम्मच दही लिया है और 2 चम्मच हमने यहाँ इसमें चीनी डाली है। दही हमारी बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। अगर आपकी दही खट्टी हो तो आप उसमें थोड़ा दूध मिला सकते हैं। वो इस तरह से फेंट लेंगे और गैस पर हमने कढ़ाई रख दी थी। तेल अच्छी तरह से जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये थोड़ा सा बैटर डालकर देखेंगे। अगर डालने के बाद हमारा बड़ा ऊपर आ जाएगा तो हमारा बैटर दही बड़े का बिल्कुल एकदम तैयार है। इस तरह से हम सभी बड़ों को डाल देंगे। गैस को हम मीडियम रखेंगे और सभी बड़ों को डालते जाएंगे। ये देखिए, बड़े हमारे यहाँ अच्छी तरह से फूल रहे हैं। अब हम इनको सुनहरी होने तक तलेंगे। ये देखिए, बड़े हमारे तैयार है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इधर हमने जो पानी गर्म किया था उसमें इन बड़ों को डाल देंगे और अच्छी तरह से इस तरह से हम इसको दबा देंगे। ये देखिए, पानी में जाने के बाद हमारे बड़ों का साइज और बड़ा हो गया है। अब हम गैस पे एक तवा गरम करेंगे। उसमें हमने यहाँ 2 चम्मच जीरा डाला है, 1 चम्मच हमने यहाँ अजवाइन डाली है, आधा चम्मच हींग, आधा चम्मच हमने यहाँ लाल मिर्च डाली है। इनको हम हल्का सा भूनेंगे। अब हम इस मसाले को निकाल लेंगे और इस तरह से इसको पीस लेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक। इस तरह हमारा ये बड़े का मसाला तैयार हो गया और बड़े भी हमारे यहाँ अच्छी तरह से फूल चुके हैं। ये देखिए, बड़े स्पॉन्जी हैं। अब हम प्लेट तैयार कर लेंगे। दही डालेंगे, हरी चटनी डालेंगे, लाल चटनी डालेंगे और इस तरह से ही बड़े ही टेस्टी से दही बड़े हम घर पर बनाकर ही तैयार कर लेंगे। ऊपर से हम ये मसाला डाल देंगे। यकीन मानिए, ये दही बड़े बाजार से भी कहीं ज़्यादा अच्छे बने हैं। आपका जब भी चटपटा खाने का मन हो तो आप इस तरह से झटपट घर पर ही दही बड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं और खा सकते हैं।
आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।